आज हम भाई टीयर डाउन करेंगे अपने मोटो 250 वॉट का, क्योंकि आप देख सकते हो भाई एक्सीडेंटली ये मेरे से गिर गया था और यहाँ से ये पार्ट खुल गया था। मैंने कहा अब यार ये खुल गया तो टीयर डाउन तो बनता है, और मेरे को यार ये सीरीज करने में कुछ ज़्यादा मजा आने लग गया और तुमको भी मज़ा आता है, तो मैंने कहा यार दोनों साइड से मज़े हैं तो ये पार्ट करना तो बनता है। तो आप एक बार पीछे मॉडल पढ़ लीजिए, ये देख लो भाई 2.1 डॉल्बी साउंड बार, मॉडल नंबर MT250 DSP21। अब इसका तो सील भी नहीं है यहाँ पे, जिस तरह वहाँ पे इधर उधर सील लगी होती है यहाँ पे सील भी नहीं है, तो भाई इसको भी खोल के देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम हटाएंगे ये लो भाई साइड से हटा कवर, और ये दिख रहे हो ये इसका कंट्रोल पैनल है, उसकी केबल है, ये इस तरह हट जाएगा, ये देखो ये इस तरह वापस लगाओगे तो ये लग जाएगा, और इसके लिए थोड़ी अंदर से देख के ये भी पता लग जाएगा रिपेयर होने लायक कितना है ये। तो भाई काफी तगड़ी ग्लू लगा रखी इन्होंने, खुलने का नाम ही नहीं लेता, डर के आगे जीत है। अब असली टास्क है ये जाली कैसे खुलेगी। भाई ये जाली तो नहीं दिख रही मेरे को खुलने लायक, ये नहीं खुलेगी भाई, जाली नहीं खुलेगी। भाई ये जाली नहीं खुलने वाली, शिट मैन। खोल देता क्या, मतलब ऐसा खोलता फिर ये वापस इसने बंद नहीं होना था। नहीं भाई बड़ी खतरनाक तरीके से चिपका रखा है मेरे को, अगर कुछ खराब हो गया ना अंदर से साउंड बार ही रिप्लेस होगी, तो ये मेरे को लग रहा खर्चा भी मोटा ही। तो यार इसको वापस ही बंद करते हैं, फालतू का काम यार, मूड खराब। मैंने कहा चलिए साइड वाले पैनल खुल गए, ये चीज़ें भी खुल जाएंगी, ये तो खुला ही नहीं। तो भाई आप देख सकते हैं इसका वूफर खोलना बहुत इजी है, और कॉइल वगैरह और कपड़े की भाई क्वालिटी देखो बहुत ज़बरदस्त है। अंदर से आपको दिखाता हूँ इसके, ये भाई पार्ट्स वार्ट्स देख लो आप एक बारी। इस साउंड बार को देख के भाई मेरे को तो ये लगता है अगर इसमें कुछ ख़राब हो गया तो खर्चा तो मोटा ही है इसका। और तो यार मेरे से वो साउंड बार खोलने मेरा इतना इंटरेस्ट था उसके, वो स्पीकर की कंपनी देखने में कि कौन सी कंपनी के स्पीकर है। चलो छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।